अभी कुछ कम पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर, तो हम 2-3 मिनट और वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द सेशन. ऑल द स्टेट कोऑर्डिनेटर्स एंड द कोऑर्डिनेटिंग टीम फ्रॉम सीआईटी, प्लीज मेक श्योर दैट एवरीबडी इज जॉइनिंग. प्लीज पुट अप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो. सर मैं नीचे जा रहा है, फिर बोतल लेते हैं मैम. चैट बॉक्स में थोड़ा देर पहले एक मैसेज आया था कि बिहार वाले जो हैं लेटर में इंडिकेशन नहीं है कि घर से करना है कि स्कूल से करना है. सभी लोग प्लीज म्यूट कर लें, सभी लोग. धीरज जी प्लीज आप म्यूट कर लें बात करने से पहले. यहाँ पे पूरे ग्रुप को अपनी बातों में ना इन्वॉल्व करें, सब म्यूट होकर के बात करें. गोवा से जॉयल जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम. So now we will start the second session for the day. आई होप सभी ने ज्वाइन. अभी मुझे कुछ 8-10 पार्टिसिपेंट कम नजर आ रहे हैं. सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर से मेरा अनुरोध है कि प्लीज एक बार अपने ग्रुप के, अपने स्टेट ग्रुप के मेंबर्स को ज्वाइन जल्दी से करने को कहें. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड सेशन ऑफ द डे. Thank you.
इस सेशन में हम बात करेंगे डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट और डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ कोर्स ऑफ कंटेंट्स को भी हम साथ के साथ देखेंगे. और इस सेशन के लिए मैं इनवाइट करूंगी प्रोफेसर इंदु कुमार को, जो हमें इन सभी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज जो बेसिकली हमारे लिए एक बेस की तरह काम करेंगे कि किस तरह के हमारे रिसोर्सेज हैं और हम उन्हें कैसे फिर बाद में डेवलप भी करेंगे. सो नाउ आई इनवाइट यू मैम फॉर दिस सेशन एंड गाइडिंग अस फॉर दिस डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट. ओवर टू यू. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मोनिका. गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू दिस येट अनदर सेशन. सो प्लीज लिसन टू एंड वॉच दिस सेशन केयरफुली सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस सेशंस टू कम विद मोर इन्वॉल्वमेंट. क्योंकि इसमें जितने तरीके के रिसोर्सेज आप अभी देखेंगे उनमें से अधिकांश तरह के रिसोर्सेज को आप इन आने वाले चार दिनों में बनाना भी सीखेंगे. पहले आप उस इसमें उनका आउटपुट देखेंगे कि अगर बाइट साइज वीडियो है तो वो कैसे होते हैं, सिमुलेशंस कैसे होते हैं, इन्फोग्राफिक्स क्या हैं. तो ये देखिए और फिर उनको बनाना सीखिए, टूल्स एक्सप्लोर करिए. So let us begin the session. I would request Dr. Monica to share my presentation by sharing her screen. इसको full screen कर लें. Full screen है. ठीक है. So next slide. मेरे इस पे नहीं चेंज हो रहा. ठीक है. तो या सो डिजिटल रिसोर्सेज हैं क्या, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिजिटल रिसोर्सेज. तो इसमें हम देखेंगे डिजिटल रिसोर्सेज आर ई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, वॉइस नरेशन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, इमेजेस, ग्राफिक्स. दे कैन बी सिंगली और इन कॉम्बिनेशन. और इससे क्या होता है, वी कैन क्रिएट अ फिक्शनल और नॉन फिक्शनल मीडिया और मल्टी मीडिया नरेशन. सो चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, वॉइस नरेशन है, म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट है, इमेजेस है, फोटोग्राफ्स भी इसमें आ जाते हैं, ग्राफिक्स हैं. ये सभी प्रकार के रिसोर्सेस जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो स्टैंड अलोन अकेला या और रिसोर्सेस के साथ कंबाइन करके हम इनका एक मीडिया पीस तैयार करते हैं, तो ये सभी तरह के रिसोर्सेस डिजिटल रिसोर्सेस कहलाते हैं. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एक लिस्ट देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं ये डिजिटल रिसोर्सेस. तो यहाँ आप स्लाइड पे देख सकते हैं माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशन, ऑडियो, वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया, इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफ्स. मैम स्लाइड चेंज नहीं हो रही मैम. अच्छा, किसी के भी स्क्रीन पे नहीं हो रही है, इसका मतलब एक बार फिर. यस मैम. हाँ करते हैं. नहीं हो रहा है. अब हो रही है मेरे ख्याल से. यस अब हो रहा है. यस मैम. हाँ हो रही है मैडम. हाँ एक बार रीशेयर कर लेते हैं फिर भी. तो ये देखो इसका वो कैसा आ रहा है स्क्रीन का आउटपुट, उसको फुल स्क्रीन करो. हम माइंड मैप का भी डेमो दे रहे हैं मोनिका उसमें. तो हम देखेंगे ये सारे तरह के रिसोर्सेज होते हैं. माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशन, ऑडियो, वीडियो, एडवर्टाइजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स. नेक्स्ट स्लाइड.
animations, cartoons, slideshows, timelines, diagrams, flow diagrams, charts, graphs. और भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटर कि कितने तरह के फॉर्म्स के हम डिजिटल रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज द लिस्ट विच आई हैड एंड आई वांटेड टू प्रोजेक्ट इट टू यू. इसमें से अगर आप हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन कौन से प्रकार के रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनसे आप अवगत नहीं हैं, एक बार दोबारा से दोनों लिस्ट दिखा दीजिए डॉक्टर मोनिका. मैं फिर से रीड आउट कर रही हूँ. माइंड मैप्स, मैप्स, सिमुलेशन, ऑडियो वीडियो, एडवर्टीजमेंट, इंटरएक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, दूसरा लिस्ट, एनिमेशंस, कार्टून्स, स्लाइड शोज, टाइमलाइंस, डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स. या आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. डॉक्टर मोनिका चैट बॉक्स में आप देख लीजिएगा किसके बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स अवगत नहीं है. चैट में लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, हम टाइम बता पाएंगे. सिमुलेशन, टाइमलाइन, फ्लो डायग्राम, माइंड मैप, मैम फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम. ओके, हमें लगता है सबको एक एक बार थोड़ा सा बता देना चाहिए. हाँ नहीं, सभी बताएंगे, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि कौन से प्रकार के रिसोर्सेज हैं जिनको हम नहीं जानते. हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर मोनिका. ये माइंड मैप है, ये एक एग्जांपल है माइंड मैप का. और हम आपको माइंड मैप भी, या ये अब मैं आपको सारे एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, एक लिस्ट दिखा दी है, अब आप सारे एग्जांपल्स देखेंगे. तो ये है माइंड मैप, जिसमें हमें कोई भी कॉन्सेप्ट जो पढ़ाना है उसको किस तरीके से हम अनफोल्ड करते हैं धीरे धीरे. अगर आप सारी इंफॉर्मेशन बच्चे को एक साथ दे देंगे तो उसमें एक कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. ये तो एक कंप्लीट माइंड मैप यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन जब हम माइंड मैप बनाते हैं या उसका प्रयोग करते हैं तो ये जैसे कॉमन फूड ग्रुप्स के ऊपर एक माइंड मैप है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें इसके सब कॉन्सेप्ट एक एक करके ओपन होंगे और फिर उन सब कॉन्सेप्ट पर हम बच्चों का ध्यान दिला सकते हैं. ये हमारी अपनी एक माइंड की मैपिंग होती है कि हम किस तरीके से किसी भी कंटेंट पीस को अनफोल्ड करते हैं बच्चों के सामने, परत दर परत हम उस कॉन्सेप्ट को खोलते हैं. उसके लिए माइंड मैप एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा रिसोर्स है. यहाँ हम ये माइंड मैप किसी मैंने नहीं बनाया है, मैंने कहीं किसी का यूज किया है इसको, फ्री एंड ओपन सोर्स, या नीचे इसमें क्रेडिट दिया गया होगा तो है. लेकिन हम मैं अगर इसको बनाती तो मैं किसी और तरीके से भी इसको बना सकती थी. जैसे इसमें कॉमन फूड ग्रुप्स में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स दिया हुआ है, डेयरी है, मीट है, कन्फेक्शनरी है, वाटर है. तो ये डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, हम इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से भी हम दिखा सकते हैं फूड ग्रुप्स में कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें ये विटामिन होता है, ये न्यूट्रिशन होता है, वैसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं. और हम जिस भी प्रकार से चाहें हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को एक साथ भी क्लब कर सकते हैं. ग्रेन्स, बीन्स, लिग्मस को एक साथ हमने करा है, डेयरी प्रोडक्ट को एक साथ करा है. तो इट इज अप टू अस कि हम किस तरीके से, अब जैसे वाटर में इन्होंने टी, फ्रूट जूस और इसको करा है, तो वाटर की जगह इसको कुछ और भी नाम दिया जा सकता है कि जो हम बेवरेजेस हम इसको कह सकते हैं या कोई और नाम दे सकते हैं. फ्लूइड्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो नाम भी हम दे सकते हैं. तो देखना हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं. तो मेरे ख्याल से माइंड मैप क्लियर है कि किस तरह से, जब आप बनाना सीखेंगे इसको, एक्चुअल डेमो देखेंगे तो और क्लियर होगा. और इसके लिए फ्री एंड ओपन सोर्स टूल उपलब्ध हैं. जैसे आप एक वर्ड फाइल बनाते हैं या एक एक्सेल शीट बनाते हैं, उतना ही आसान माइंड मैप बनाना है. दो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करती हूँ, फ्री माइंड एंड फ्री प्लेन, वो
फ्री एंड ओपन सोर्स टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन प्रेजेंटर के ऊपर है कि वो और कौन सा टूल आपको, और सब फ्री एंड ओपन सोर्स टूल ही हम आपको यहाँ उनका ही डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, ताकि आप आसानी से आपको वो उपलब्ध हो जाए और आप रिसोर्सेज उनसे बना सकें। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो ये एक इंफोग्राफिक का एग्जाम्पल है और इसको हम एक फ्लो डायग्राम भी ट्रीट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करें, देखिए ओपन होके सबको विजिबल होता है क्या। तो यहाँ ये एक फ्लो डायग्राम भी है जो, और इसको हम एक इंफोग्राफिक, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन प्लस ग्राफिक दोनों है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफोग्राफिक एंड अ फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम भी किसी ने पूछा था, और फ्लो डायग्राम हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इट इज अप टू अस। बस उसमें इंफॉर्मेशन का एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। सारी प्रेजेंटेशंस आपको मिलेंगी और सारे रिसोर्सेस कहाँ उपलब्ध हैं वो सोर्स भी मिलेंगे। फोटो क्लिक करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, यू विल गेट एवरीथिंग। और एक पेज ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, डे के एंड में सारे प्रेजेंटेशंस रिसोर्सेज आपको वहां पर उपलब्ध होंगे। यहाँ हम देखेंगे कि ये एक फैमिली ट्री का इंफोग्राफिक प्लस फ्लो डायग्राम है, जो रानी का फैमिली ट्री है, जिसमें दादा दादी और उसके नाना नानी हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। पर ये हमने तीन तरह के फैमिली ट्री पे बना के तब निपुण भारत की वेबसाइट पे डाला है, तीन फैमिली ट्री में बाइफरकेट करके, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है स्मॉल फैमिली नॉर्म। अगर हम सारे रिलेशनशिप्स एक ही फ्लो डायग्राम में दिखाएंगे तो वी वोंट बी दोनों जो दादा दादी और नाना नानी, इनके दो दो ऑफस्प्रिंग्स ही दिखाए हैं, तो जिससे सारे रिलेशनशिप कवर नहीं हो सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे, हमने रानी की बुआ और रानी के पापा को दिखाया है, जो कि भाई बहन है आपस में। इसी तरह से जो नाना नानी है उसमें रानी की मम्मी और मामा, जो कि हेलो हेलो आवाज मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैडम साउंड नहीं आ रहा है आपका, आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है मैम। नो साउंड है, कोई साउंड नहीं है। इंदु मैम सर एक्चुअली कुछ निज्ञा मैम कोई साउंड नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गई है, अभी रिकनेक्ट कर रहे Ma'am is joining back. There is an internet connection at her end. So please wait for 2 minutes.
my presentation is being shared again so that we can continue it. And alone in the resource folder mein we can folder family tree would be standalone also. हाँ इसके बाद ये शालिनी का फैमिली ट्री देखेंगे. इसमें शालिनी का फैमिली ट्री में भी दादा दादी नाना नानी है. उसके बाद शालिनी के पहले बुआ दिखाया था हमने, इस बार हमने ताऊजी और ताईजी दिखाया है. शालिनी के पापा मम्मी हैं और इधर मामा मम्मी कजन है. तो इस तरह से यहाँ हमने कुछ और दूसरे नए रिलेशनशिप्स इंट्रोड्यूस कर दिए. फिर अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट स्क्रॉल करें. शालिनी के बाद राजूज फैमिली ट्री. इसमें हमने मौसी मौसा चाचा चाची, पहले ताऊ ताई थे फिर चाचा चाची, उससे पहले बुआ फूफा जी थे. तो इस तरह से और नए रिलेशनशिप्स इंट्रोड्यूस देखें तो तीन फ्लो डायग्राम्स के माध्यम से या तीन इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से हमने अधिकांश एक जो भी फैमिली ट्री होता है और उसके माध्यम से जो रिलेशनशिप्स हैं वो इसमें कवर कर लिए हैं. और ये ईवीएस के एक लर्निंग आउटकम पर बेस्ड है, क्लास थ्री के. द लर्नर आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप्स विद एंड अमंग फैमिली मेंबर, ये लर्निंग आउटकम है. और इस लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए एक फ्लो डायग्राम बना है. अब इसको हम ड्रॉप करके वापस प्रेजेंटेशन पर आ सकते हैं. तो हमने एक फ्लो डायग्राम का एग्जांपल देखा, इंफोग्राफिक का एग्जांपल देखा. ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको दिखाई थी, ठीक है. वो अलग तरह से बनी हुई थी, ये आप देखेंगे तो एक अलग तरह से टाइमलाइन बनी है. जहां भी हमें क्रोनोलॉजी दिखाने की आवश्यकता पड़ती है तो क्रोनोलॉजी को अगर हम टाइमलाइन के माध्यम से दिखाएं तो वो हमारे दिमाग में जल्दी रजिस्टर होता है, बजाय कि हम वर्बली टाइमलाइंस के बारे में या क्रोनोलॉजी के बारे में बताएं. इससे पहले मैंने पॉलिसी डायरेक्शंस वाला दिखाया था आपको इन्फोग्राफिक, वो थोड़ा सा एक स्नेक की तरह से था और ये एक स्ट्रेट लाइन में हमने डिफरेंट टाइम के क्रोनोलॉजी दिखाए हैं. अगर हम इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं तो टाइमलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, या कोई भी विकास हम दिखा रहे हैं, डेवलपमेंट दिखा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल, तो उसके लिए हम टाइमलाइन का प्रयोग कर सकते हैं. टाइमलाइन इंटरैक्टिव भी हो सकती है, जिसको आप माइंड मैप की तरह ही हम अनफोल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट, ये एक डायग्राम का एग्जांपल है. तो ये डायग्राम में हम देखेंगे कि वॉटरफॉल फॉर्मेशन, किस प्रकार से झरने का निर्माण होता है, वो झरने के निर्माण की प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है. तो यहाँ हम देखेंगे डायग्राम में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किस तरह से भू आकृतियों का निर्माण होता है, लैंड फॉर्म फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके लिए है. तो ये लैंड फॉर्म फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, इनको निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं कई बार. और उसको अगर हम अपेक्षा करें कि एक 35 मिनट्स के पीरियड में टीचर एक्सप्लेन कर देगा, तो वो बिना किसी डिजिटल कंटेंट के, बिना किसी डायग्राम या एनिमेशन के उसको विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. यहाँ इस डायग्राम में हम देखेंगे टॉप पे वाटर फ्लो हो रहा है एक हार्ड रॉक के ऊपर, हार्ड रॉक के नीचे सॉफ्ट रॉक है. तो जैसा कि हमें पता है, अगर हार्ड रॉक के ऊपर से पानी का फ्लो होगा और सॉफ्ट रॉक क्योंकि सॉफ्ट है तो उसकी अंडर कटिंग फास्ट होगी, और धीरे धीरे जब सॉफ्ट रॉक कटती जाएगी तो हार्ड रॉक का एक छज्जा सा बन जाएगा. और वाटर का प्रेशर जब छज्जे के ऊपर बहुत तेज पड़ता है
तो एक समय एक पर वो भी टूट जाता है। इसीलिए हमने देखा है कि बहुत जो वॉटरफॉल्स होते हैं या झरने होते हैं उनके नीचे बहुत सारे टूटे हुए चट्टाने या टूटे हुए पत्थरों के टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वॉटरफॉल फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है उसी की वजह से है। ये इसमें दिया हुआ है कि जब ये सॉफ्ट रॉक कट जाती है तो ओवरहैंग यानी कि जो छज्जा है वो कोलैप्स हो जाता है और इस तरीके से एक झरने का निर्माण होता है। तो ये डायग्राम की मदद से जितना आसान है बताना, उससे भी आसान 30 सेकेंड का एनिमेशन भी आप गूगल करेंगे वॉटरफॉल फॉर्मेशन, तो 30-30 सेकेंड के आपको छोटे छोटे एनिमेशन मिल जाएंगे जिससे ये प्रक्रिया और स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमने एक डायग्राम का एग्जाम्पल देखा। यहाँ ये एक एग्जाम्पल है कार्टून का, जो एक जो प्रक्रिया है इवोल्यूशन ऑफ स्पेशीज, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक कार्टून से इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाते हैं स्पेशीज, वो कॉन्सेप्ट बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर डायनासोर की जो तस्वीर है वो लटकी हुई है और उस पर लिखा हुआ है मिसिंग सिंस अ बिलियन ईयर्स। तो और जो दूसरे जानवर हैं वो उत्सुकता से कौतूहल के साथ इस तस्वीर को देख रहे हैं। तो इस तरह से बहुत रोचक तरीके से हम कोई भी कॉन्सेप्ट कार्टून के माध्यम से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और लर्निंग को हम आगे ले जा सकते हैं कॉम्प्लेक्स लर्निंग की तरफ। नेक्स्ट प्लीज। ये एक कॉमिक स्ट्रिप का एग्जाम्पल है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कॉमिक स्ट्रिप। और नीचे इसका एक ऑडियो का भी वो आ रहा होगा बटन प्ले करने का, प्ले बटन नहीं दिख रहा बाहर से। ये एसिडिटी वाला जो तो ये कॉमिक स्ट्रिप का एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं अभी। तो ये किल द एसिडिटी इसका टाइटल है और यहाँ हम देखेंगे कि दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। जो लड़का है उसके उसको एक बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है उसके स्टमक में एंड वो ये बात शेयर कर रहा है रिया के साथ, आई एम फीलिंग बर्निंग सेंसेशन इन माई स्टमक। वापस से इसको बैक करें नहीं किसी को प्ले को पॉज कर सकते हैं। हाँ तो आई थिंक यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। तो ये बच्चा पूछता है एसिडिटी, yes if you have excess of acid in your stomach you may feel burning sensation, play kar de iske baad next hum dekhenge ye comic strip mein aur ye hamare upar hai ki hum kitni der tak chahenge ki ye rahe। तो बच्चा पूछता है कि बट एसिड्स आर कोरोसिव, तो उसकी वजह से मेरे स्टमक में छेद क्यों नहीं हो जाता है? अगर एसिड का ड्रॉप एक लकड़ी के पीस पे गिरता है तो उसमें छेद हो जाता है, तो क्या मेरे स्टमक में भी छेद हो जाएगा? तो ये लड़की बोलती है कि नहीं, हमारे स्टमक में एपिथीलियल सेल्स होती हैं जो हमें डैमेज से बचाती हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत एक रोचक तरीके से बहुत रोचक तरीके से एपिथीलियल एसिडिटी का प्लस एपिथीलियल सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। और
एसिडिटी को कम्बैट करने का, उससे निजात पाने का तरीका भी इस ट्रिप में सुझा दिया गया है। तो ये पूछता है बच्चा एपिथेलियल सेल्स ये क्या होती हैं, तो एपिथेलियल सेल प्रोड्यूस म्यूकस, ये एक म्यूकस का निर्माण करता है जो हमारे स्टमक की वॉल के ऊपर एक कोट बना देता है और उससे एसिड हमारे स्टमक की जो सेल्स हैं उनको डैमेज नहीं करता है। और आप इससे छुटकारा पाने के लिए यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क, और कोल्ड मिल्क पीने के बाद जो लड़का है उसको एसिडिटी से राहत मिलती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को कॉमिक स्ट्रिप के माध्यम से बहुत रुचिकर तरीके से हम पेश कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों ने सिमुलेशन के बारे में पूछा था, तो ये सिमुलेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल हम अगली स्लाइड में देखेंगे, जो ये एमीबा आप मूव करते हुए देख रहे होंगे। एमीबा जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें पाचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, तो ये एक सिमुलेशन के माध्यम से पाचन की प्रक्रिया हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पाचन होता है। सिमुलेशन जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें, सिमुलेशन उस तरीके के कंटेंट होते हैं जिसमें ऐसी प्रक्रियाएं जिनको 3D विजुअलाइजेशन या 2D विजुअलाइजेशन जब तक हम ना करें तो हमें समझ में नहीं आएगा, और किसी भी कॉन्सेप्ट की ये एक नियर टू रियल इमेज हमें प्रस्तुत करती है। रियल तो नहीं पर नजदीकी के काफी, रियलिटी के काफी करीब पिक्चर हम उससे देख सकते हैं। इसी का एक और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो वो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कॉन्टेंट भी एक तरह का सिमुलेशन है। ये कौन सा है पहले हम इसको देख लें, इसके बाद क्या है। अच्छा, आर वी एबल टू प्ले इट, और वो फोल्डर में से देख सकते हैं, फोल्डर में से देख लें। फोल्डर में क्यूअर वाला है। एक मिनट पॉज कर दो। ये भी एक सिमुलेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया लैंडफॉर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया बहुत जटिल और सर्दियों में घटित होती है। इसी तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है कि ज्वालामुखी किस तरीके से, ज्वालामुखी का निर्माण या उसका वो किस तरह से फटता है या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक ऑग्यूमेंटेड रियलिटी कंटेंट है जो हम सिमुलेशन की कैटेगरी में ही इसको लेंगे। तो यहाँ ये पहले से ही निर्मित है, क्यूअर एक साइट है और मोबाइल ऐप भी है, जहां आपको जो शीट आप एक देख पा रहे हैं ऐसी बहुत सारी शीट मिलेंगी, उनका हम प्रिंट लेके, ये एक फिजिटल का भी एग्जाम्पल है, इस शीट को हम लेके इसको क्यूअर मोबाइल ऐप से स्कैन करेंगे तो हमें इसका 3D विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा। किस तरह से वो हम इसमें देख सकते हैं, इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके NCERT की किताबों के जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के डायग्राम्स हैं उनको ऑग्यूमेंट करके सिमुलेशंस या AR तैयार किए गए हैं, और उनको AR ऐप से जब हम स्कैन करते हैं तो इसी तरह से 3D दिखाई देता है। अब पहले हम ये देखें ज्वालामुखी का 3D, क्लिक करें, अब ये स्कैन हो रहा है, जो आपको रेड हो गया दिखाई दे रहा है फिर ब्लू हो रहा है, तो इट इज गेटिंग स्कैन्ड। तो जब स्नो क्लैड ज्वालामुखी है वो कैसा दिखाई देता है, जो स्नो से क्लैड है, ये 3D आ गया। आई थिंक आप देख पा रहे हैं, हमने वो नहीं शेयर किया शायद साउंड, एक बार क्लोज करके साउंड शेयर भी कर ले। मैं अपना ऑफ कर देती हूँ तब तक।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी सॉरी। ये लास्ट के टू रिसोर्सेज और हम देखेंगे जिसमें श्वसन और पाचन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। ये भी एक ऐप है, बायो डिजिटल ह्यूमन। ये हम देखेंगे तो पाचन की प्रक्रिया का एक सिमुलेशन यानी कि 3D विजुअलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। किस तरह से खाना छोटी आंत बड़ी आंत इनसे ट्रेवल करके उसका पाचन होता है और उसके पोषक तत्व हमारे शरीर में हमें देखने को मिलते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा आगे कर दे, थोड़ा स्लोली। इसको हम ऐसे टिल्ट करके भी देख सकते हैं। इसमें अब हम देखेंगे श्वसन की प्रक्रिया। मैम ऐप का नाम क्या है? बायो डिजिटल ह्यूमन। थैंक यू। और पहला वाला जो ज्वालामुखी आपने देखा था वो क्यूअर, क्यू यू आई वी ई आर, चैट में लिख दीजिए मोनिका, क्यूअर एंड बायो डिजिटल। इसके बाद हम एक फोटोग्राफ्स वाला है, फोटोग्राफ्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स हैं कुछ जिनको डिजिटल कंटेंट में बदल दिया गया है। इनके साथ थोड़ा रिसर्च करके इसमें कुछ वैल्यू ऐड करके तो फोटोग्राफ भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकते हैं, लर्निंग रिसोर्स। इसमें हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं और उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करके, जैसे कि उसका नाम क्या है इस बर्ड का, साइंटिफिक नेम क्या है, अल्टरनेटिव नेम क्या है, हैबिटेट क्या है, कहाँ पाए जाते हैं ये, और अगर इनकी कोई माइग्रेटरी हैबिट है यानी कि ये प्रवास भी करते हैं बर्ड्स, तो वो क्या है इनकी माइग्रेटरी प्रवास की जो इनकी हैबिट्स हैं वो क्या हैं, किस समय में किस मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये माइग्रेशन करते हैं, तो वो सारी चीजें रिसर्च करके हम फोटोग्राफ्स को भी एक रिसोर्स के रूप में तैयार कर सकते हैं। थोड़ा आगे आगे स्क्रॉल कर दें। पानी, थोड़ा पानी पी लिया जाए मैम। क्या कर रहे हैं? थैंक यू। इस ऐप का नाम क्या है जो अभी बर्ड से सब का फोटो दिख रहा है? कौन सा वाला? ये कोई ऐप नहीं है, इसमें इस तरह का जो आप कंटेंट है पावर पॉइंट से भी बना सकते हैं। ये तो हमने एक वीडियो आपको दिखाने के लिए बनाया है ताकि आप वैरायटी देख सकें, तो इसको हमने एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन इसको एक स्टैंड अलोन दो स्लाइड के रिसोर्स की तरह से भी हम बना सकते हैं, जैसे कि एक बर्ड का चित्र और उसके बाद उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो। लेकिन अगर आपको इस तरह के वीडियो बनाने, जो आपने कॉमिक स्ट्रिप में भी वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपने एसिडिटी वाली कॉमिक स्ट्रिप देखी, इसमें जो भी आपने स्लाइड्स बनाए हैं
उन स्लाइड्स को आप पावर पॉइंट में ही एक के बाद एक जैसे स्लाइड बनाते हैं वैसे बना दें, और उसके साथ कोई म्यूजिक ऐड करके वो ऑप्शन आएगा, अगर आपको म्यूजिक ऐड करना है, वॉइस ओवर ऐड करना है, वॉइस ओवर ऐड करके, और कितने सेकेंड्स के बाद आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड बदले, क्योंकि वो अपने आप बदलती है, वो सब कुछ सेट करके आप सेव एज वीडियो कर लेंगे तो ऐसे वीडियो बन जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो पावर पॉइंट में ही। तो पावर पॉइंट में या ये आप ऑप्शन देखें, ऐड म्यूजिक, कुछ म्यूजिक ऐड कर दीजिए, वॉइस ओवर ऐड कर दीजिए, वीडियो उसको सेव करिए, सेव एज वीडियो करिए, तो यू विल गेट दिस आउटपुट। अब हम इंटरैक्टिव का एक एग्जांपल देखते हैं, वहीं से देख सकते हैं। इंटरैक्टिव ई कंटेंट भी मैंने एक वैरायटी आपको बताया था इंटरैक्टिव्स। ये यहाँ पे ग्रे वाला जो आइकन है, और ये किस सॉफ्टवेयर से बने, H5P सॉफ्टवेयर है। इस पर एक आपका पूरा सेशन होगा जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा कि कैसे ऐसे कंटेंट बनते हैं। ये ऑडियो नहीं आ रहा है। तराजू पर रखे हुए सामान को तोलने के लिए कितने भार के बाद ब्लू बॉक्स हटा दो। दोबारा प्रयास करें। बहुत अच्छे, अरेंज नंबर्स ऑन द लैडर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। वेल डन, वेल डन, well done, oops, try again, well done, well done, well done, well done, well done. Identify the occupation. Write the name of occupation in the blank space. Well done. देखें और पहचानें। क्लू को पहचानकर सही विकल्प पर क्लिक करें। शांग नाम की यह सभ्यता पीली नदी घाटी के आसपास विकसित हुई। यहाँ के लोगों ने लेखन, रेशम के कपड़े, ईंट, मिट्टी और लकड़ी के भवन बनाने की शुरुआत की। बहुत अच्छे, चूचू करती आई चिड़िया, जल्दी नाम बताओ भैया। पक्षियों के सही नाम को पहचाने। बहुत अच्छे,
अब एक बाइट साइज वीडियो का एग्जांपल देखते हैं. बाइट साइज वीडियो कर दो प्रोजेक्ट. हाँ कौन सा? नहीं ये नहीं, नॉट दिस. अली घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नजर बाहर नल पर पड़ी. नल से पानी जमीन पर टपक रहा था. आसपास का फर्श गीला हो गया था. अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया. पानी अब लोटे में गिरने लगा. थोड़ी देर में लोटा पानी से भर गया. अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया. आवाज नहीं आ रही है. कोई भी और प्ले करो. देखो ऐसा ही मोबाइल वाला बॉक्स होगा. इसको स्क्रॉल कर लो एक बार. फ्री डिस्कशन ऑन द स्टोरी होगा या कोई और होगा. तो ये सिमुलेशन का एग्जांपल है या बिट साइज वीडियो? लेकिन कहानी सुनने से पहले कहानी के चित्र पर बातचीत कर रहे हैं. कहानी का नाम है बच्चों. आप बताइए कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? दीदी इस चित्र में एक लड़का है और दो गमले. दो नहीं तीन गमले हैं और लोटा भी है. अरे नहीं महक, तीसरा गमला नहीं मटका है जिसे फोड़कर उसमें पौधा लगाया गया है. मेरे यहाँ भी मटके में गेंदे का पौधा लगा है. नल भी है यहाँ और ढेर सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में. हाँ हाँ सही कहा, लेकिन हम सबने तो अभी सिर्फ यह बताया है कि क्या दिख रहा है, लेकिन इसमें तो कुछ और भी हो रहा है. यह कौन बताएगा? ये मैं बताता हूँ. एक लड़का गमलों में पानी डाल रहा है. बहुत बढ़िया अमन. अच्छा अब आप सभी अंदाजा लगाइए इस चित्र के आधार पर कहानी क्या होगी, किसके बारे में होगी? कहानी लड़के के बारे में होगी जिसे पेड़ पौधों से प्यार होगा और वह उनका बहुत ख्याल रखता होगा. मुझे लगता है यह कहानी पौधों के बारे में होगी जिन्हें लड़का रोज पानी देता होगा. पौधे और लड़के में दोस्ती होगी और यह कहानी उनके दोस्ती की होगी. आप सबने बहुत अच्छे से बताया है. अब इस कहानी को सुनते और देखते हैं कि आप सबने जो अंदाजा लगाया है वो ठीक है या कहानी कुछ और ही है. किसी का कोई क्वेश्चन था? मैं पूछना चाहता था ये सिमुलेशन का एग्जांपल था या बिट साइज वीडियो? ये वीडियो है, बाइट साइज वीडियो है. सिमुलेशन किसी भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को 3D विजुअलाइजेशन अगर हमें करना है तो वो सिमुलेशन होता है. जैसे आप लोगों ने तारामंडल भी देखा होगा. तारामंडल आप में से बहुत लोगों ने विजिट किया होगा. तो तारामंडल भी यूनिवर्स के कुछ पोर्शन का सिमुलेशन होता है. यहां हम असली चीज तो नहीं देख सकते, बस
बट असलियत के काफी नजदीक उस कॉन्सेप्ट का हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कृत्रिम, तो इसीलिए उसको हम सिमुलेशन बोलते हैं। ये तुम्हारा ब्लू बॉक्स बार बार ओपन हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देखेंगे कि एक इमेज है, इमेज का एग्जाम्पल है जिसमें एक आकृति के अंदर बहुत सारे किचन के बर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसके माध्यम से भी हम बहुत सारे चीजों की जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तो इसमें भी एक आकृति है जिसमें बहुत सारे गेम्स एंड प्ले आर्टिकल्स छुपे हुए हैं। ये नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये हम दिखा चुके हैं फोटोग्राफ्स एज लर्निंग रिसोर्सेस, इंटरैक्टिव्स भी हम दिखा चुके हैं। ये एक एनिमेशन का एग्जांपल है, हम इसको प्ले कर सकते हैं। इसको एनिमेशन एक हम देख लेते हैं जो ग्राफिक बेस्ड एनिमेशन का एग्जांपल है। अली घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नजर बाहर नल पर पड़ी। नल से पानी जमीन पर टपक रहा था। आसपास का फर्श गीला हो गया था। अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया। Hi friends, my name is Anjali. Let's talk about traffic signals. We all see traffic signals when we are on the road. What do you think these traffic signals are for? Traffic signals help everyone using the road to know when they have to stop, wait, or go. There are three lights of different colors in the traffic signal. These are red, amber or yellow, and green. Each color has a special meaning. For drivers, red light means stop your vehicle. Amber light means wait, and green light means go. Pedestrians must only cross a road when the traffic signal is red. This is the time when vehicles have stopped to let people safely cross a road. Sometimes we see the figure of a man on the traffic signal. This signal is for pedestrians. When this man turns green, it means we can safely cross the road from the zebra crossing. When the man turns flashing green or red, we must wait until the man turns green again. We must always cross the road with an adult, and we must hold their hand while on the road. So friends, always remember, safety first. Bye. तो ये एक एनिमेशन का एग्जाम्पल था। ये तुमने साइड वाला भी बार खोला हुआ है स्लाइड्स का। हाँ, वो भी तो स्लाइड शो में कर लो। तो ये एक एनिमेशन का एग्जाम्पल था। स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जाम्पल हम जो लास्ट वाला सेशन है उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे ई कंटेंट के, और हमें हम किस तरीके से इन ई कंटेंट का प्रयोग कर सकते हैं, वो प्री लेसन, मिड लेसन, पोस्ट लेसन।
इट डिपेंड्स कि आपने अपना पेडागोजिकल प्लान कैसे बनाया है और उसमें कोई भी रिसोर्स कैसे सूट करता है, कि आपको लेसन के पहले रिसोर्स दिखा के फिर उसके ऊपर चर्चा करनी है, या कहीं मिड लेसन भी किसी रिसोर्स को दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है तो हम लेसन के बीच में वो रिसोर्स दिखाते जाएंगे, जैसे कि मैं अभी इस सेशन में कर रही हूँ, आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ मिड लेसन रिसोर्सेस। इसी तरीके से पोस्ट लेसन भी हम कुछ रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं कि हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया फिर उससे रिलेटेड और रिसोर्सेज देखने के लिए हमने बच्चों को दिखाया या उन्हें देखने के लिए बोला। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज का हम प्री मिड एंड पोस्ट लेसन प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको निपुण भारत की वेबसाइट पे हम जा सकते हैं जिसमें आप फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी दीक्षा पर कहाँ उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम deeksha.gov.in URL के माध्यम से दीक्षा पे जाएंगे, जो ये यहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें फर्स्ट वाले डॉट पे जो नीचे बैनर के नीचे डॉट्स हैं, यहाँ हम देखें तो ये निपुण भारत मिशन वर्टिकल दीक्षा पे उपलब्ध है, जो मैंने अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में भी आप लोगों को बताया था जिसके बारे में। यहाँ हम जब एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पेज मिलेगा जो निपुण भारत का पेज है। इसको एक बार स्क्रॉल करें, सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि निपुण भारत से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ उपलब्ध होंगे। अगर हम एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में हमें पता चलेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं। एक बार एक्सप्लोर पे क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमें पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है, राइट हैंड साइड में, जिसमें निपुण भारत मिशन से संबंधित सारे रिसोर्सेज की लिस्ट है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो रिसोर्स आप यहाँ से देख पाएंगे। अब हम बैक चलें, वापस दीक्षा पे आ जाएं, निपुण भारत वाले पेज पे। लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट बार है, बैक। फिर हम देखेंगे निपुण भारत मिशन के वीडियोस हैं यहाँ पे। निपुण भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ने रीजनल वर्कशॉप्स की थी, तो वो रीजनल वर्कशॉप्स के रिसोर्सेज भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको अबाउट की ये है क्या फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और फिर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं डेवलपमेंटल गोल वाइज रिसोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं जो जो इस मिशन के संदर्भ में काम कर रहे हैं कि निपुण भारत मिशन के तहत फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के 3 डेवलपमेंटल गोल हैं, जिसमें डेवलपमेंटल गोल 1 है चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिसका कोड HW है। डेवलपमेंटल गोल 2 है चिल्ड्रन बिकम एक्टिव कम्युनिकेटर्स, जो भाषा से संबंधित गोल है, और डेवलपमेंटल गोल 3 है चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो ये 6 कक्षा इस मिशन के तहत आती हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो हम देखेंगे ऊपर अप अप, तो प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। और मिशन का उद्देश्य ये है कि इन 3 डेवलपमेंटल गोल से अलाइंड जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें बच्चे को क्लास 3 के एंड तक निपुण होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। नीचे स्क्रॉल करें एक बार, हम पूरा देख लेते हैं इस वर्टिकल में और क्या क्या है। यहाँ ये भी प्रोविजन है कि कोर्सेज फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स भी आप यहाँ से ही पहुंच सकते हैं, उस पर एक्सप्लोर क्लिक करेंगे तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के कोर्सेज तक आप पहुंच जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंटल गोल वाइज रिसोर्सेज हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऊपर हम स्क्रॉल करेंगे, चिल्ड्रन ऑफ वैक्स हम कहाँ से देख सकते हैं, डू यू हैव लिंक ऑफ इट?
उसको करके थोड़ा अभी पॉज कर लेना, पर वो मैं वहीं से दिखाना चाहती हूँ कि कैसे वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सी क्लास का कौन सा गोल है, बस ये देख लो उस पे। जी, गोल तो टू होगा, किस क्लास का है और उसका लर्निंग आउटकम का कोड क्या है, ये नोट कर लीजिए। क्लास वन है, डीजी टू। हाँ, उसका कोड है कुछ, लर्निंग आउटकम का कोड और देख लें। 4.7। तो ये जरा नोट कर लो। तो वापस हम दीक्षा पे आते हैं। वापस हम दीक्षा पे आए तो देखें कि कैसे हम डेवलपमेंटल गोल वाइज रिसोर्सेज यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास वन था ना जी, अभी मेरे स्क्रीन पे नहीं आया, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। तो हम क्लास वन के एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ ये देखेंगे कि कैसे रिसोर्सेज हम प्राप्त कर सकते हैं। डेवलपमेंटल गोल टू था ना जी। हाँ, डेवलपमेंटल गोल टू पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ हम देखेंगे लेफ्ट साइड में एक प्लेयर है जिसमें रिसोर्स प्ले होगा, और राइट हैंड साइड में डेवलपमेंटल गोल टू जो कि है चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स यानी कि ईसी, उसके लर्निंग आउटकम्स की लिस्ट। आप एक बार कर्सर से दिखा दें लिस्ट, ये देखिए ये पूरे लर्निंग आउटकम्स की लिस्ट है क्लास वन के डेवलपमेंटल गोल टू के। इस पे अब हम एक किसी डेवलपमेंटल गोल पे लर्निंग आउटकम पर क्लिक करते हैं, और दूसरा ये जो प्लेयर है इसमें सब आपको बाय डिफॉल्ट सबसे पहला रिसोर्स उस डेवलपमेंटल गोल की जिसपे भी आपने क्लिक किया की कॉम्पिटेंसीज का रिसोर्स मिलेगा। एक बार इस पे स्क्रॉल कर दीजिए की कॉम्पिटेंसीज वाले इस पे। ये देखेंगे तो ये सब की कॉम्पिटेंसीज हैं, ठीक है। अब हम क्लास वन का डेवलपमेंटल गोल टू के किसी एक लर्निंग आउटकम पर क्लिक करते हैं। यस डॉक्टर मोनिका, वो तो ये आप देख रहे हैं कौन सा लर्निंग आउटकम का कोड क्या है। 4.7। हाँ, 4.7 जो कोड है ये तो इसका ये है। इसमें हम देखें कि ये एक वर्कशीट है, कार्यपत्रक है हिंदी का, कक्षा एक का, इंग्लिश का होगा वो, ECL 2 होगा, ECL 2, ECL 1 नहीं, ECL 2 में होगा वो। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ हैप्पी फैमिली। एक बार करें, पॉज करें। ये डेवलपमेंटल गोल टू क्लास वन का एक लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम का एक बार रीड आउट कर दीजिए। रिलेट्स द पिक्चर विद द स्टोरी, पिक्चर एंड टेक्स्ट ऑफ द, वही नीचे लिस्ट में से कर सकते हैं। लिस्ट में देखो यहाँ पे हमने, यहाँ बस 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 बस, कनेक्ट टेक्स्ट विद इलस्ट्रेशंस व्हाइल रीडिंग द स्टोरी। हाँ, कनेक्ट टेक्स्ट विद इलस्ट्रेशंस व्हाइल रीडिंग द स्टोरी, ये लर्निंग आउटकम है। अब आप देखें कि ये कितना सूटेबल है रिसोर्स फॉर दिस लर्निंग आउटकम। हम अब रिसोर्स प्ले कर सकते हैं। ये एक बाइट साइज वीडियो है और अफ्रीकन फोक टेल पर बेस्ड है, और टाइटल है इसका चिल्ड्रन ऑफ वैक्स। Once upon a time, there lived a happy family. They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields. But they were not allowed to go near a fire.
they had to do all their work during the night because they were made of wax. But one of the boys wished to go out in the sunlight. One day, he planned to step out. Alas, it was too late. He melted in the hot sun. The wax children were so sad to see their brother melting away. So, they made a bird with the melted wax. They took their bird brother up to a high mountain. And as the sun rose, he flew away singing into the morning light. साउंड रुक रुक के आ रहा है। हमने क्लास वन का डेवलपमेंटल गोल टू का एक लर्निंग आउटकम पर बेस्ड रिसोर्स देखा। इसी के हम जो कार्यपत्रक हैं, यानी कि असेसमेंट शीट और वर्कशीट, वर्कशीट और असेसमेंट शीट और फॉर्म्स ऑफ ई रिसोर्सेज भी देख सकते हैं। सेम पे के नीचे लिस्ट ड्रॉप डाउन में देखिए। और क्या क्या और असेसमेंट शीट होगा, असेसमेंट दे। तो ये इसी स्टोरी से रिलेटेड एक असेसमेंट शीट है। स्क्रॉल कर दीजिए इस पे ताकि बच्चों की लर्निंग रीइंफोर्स हम कर सकें। और इसी से रिलेटेड एक इंफोग्राफिक भी है। और अगर आप इसके लर्निंग आउटकम पर ध्यान दें तो कनेक्ट्स टेक्स्ट विद इलस्ट्रेशंस व्हाइल रीडिंग द स्टोरी। तो इसका पूरा स्कोप वीडियो में भी है। स्टोरी रीड की जा रही है और उसके साथ टेक्स्ट प्लस इलस्ट्रेशंस दोनों आ रहे हैं। इसी तरह से इंफोग्राफिक में भी है, टेक्स्ट भी है, इलस्ट्रेशंस भी है। एंड वी कैन रीड टेक्स्ट टू रीड द स्टोरी, टू लुक एट द स्टोरी। तो ये इस तरीके से डेवलपमेंटल गोल वाइज ई रिसोर्सेस FLN वाला जो वर्टिकल है उसके तहत दीक्षा पर आपको उपलब्ध होंगे। और अगर इस मिशन में आपका पार्टिसिपेशन है सो यू कैन आल्सो क्रिएट सच रिसोर्सेस जिसमें ऑडियो वीडियो इंफोग्राफिक और बाइट साइज वीडियो का हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये निपुण भारत का था वर्टिकल। और एक और रिसोर्स हम इसका देखें। हाँ, अगर स्टैंड अलोन है या यहीं से देख सकते हैं। अभी एक और रिसोर्स हम EVS का देखते हैं जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से संबंधित है। क्लास 3 एंड डिजिट 3। डेवलपमेंटल गोल 3 क्लास 3 का है। तो यहाँ हम देखेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लें ताकि ठीक से देख पाए लोग अपने स्क्रीन पे। तो जो लर्निंग आउटकम है, इसका लर्निंग आउटकम एक बार रीड करें तो लेट इट कम ऑन द स्क्रीन। चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर्स एंड, हाँ ये तो डेवलपमेंटल गोल है इसका। चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट्स विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये डेवलपमेंटल गोल 3 है और इसका जो लर्निंग आउटकम आप असेसमेंट शीट पे देख सकते हैं। दी लर्नर identifies simple observable features
जैसे कि शेप कलर टेक्सचर अरोमा ऑफ लीव्स ट्रंक्स बार्क ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स इन इमीडिएट सराउंडिंग, ये लर्निंग आउटकम है। तो यहाँ आप जो वर्कशीट है वो देख सकते हैं, और इसका वीडियो भी अगर हम प्ले करना चाहें, वर्कशीट असेसमेंट शीट इंफोग्राफिक और वीडियो, ये सारे प्रकार के रिसोर्सेस इस लर्निंग आउटकम से संबंधित आपको यहाँ अलाइंड मिल जाएंगे दीक्षा के निपुण भारत पेज पर। लेट अस नाउ वॉच द वीडियो रिलेटेड टू इट। वीडियो यहाँ वीडियो भी होगा, ये नीचे 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 फुल स्क्रीन। Mom, I'm so excited. Let's go. Mom, these trees are so different from each other. Yes, dear. Some of them differ from each other, but some have similar characters. Look at these plants, Tina. Their leaves are different in color, but similar in shape. They are elongated. You can call them linear shaped. And this one, it is triangular. Do you remember this shape? Yes, Mom. I remember. I had studied this shape in my maths class. Oh, Mom, mint must be growing around. Its fragrance always attracts me. Then let's find out where they are growing. Ah, I found them. Hey, look here, Mom. This is so amazing. Oh, yes. I used to think that only flowers are colorful, but leaves of this plant are so beautiful. This purple color is so attractive, and they are so soft to touch, just like our velvet blanket. Yes, Tina. See, there are other plants also with colorful leaves. They are amazing. Oh, the bark of this tree is so smooth, unlike other trees. It varies. Some trees have smooth bark, some have grooved or bumpy. Now, let's go back home. Mom, we'll visit the park tomorrow as well. Sure, dear. Oh, Mom, look at them. A cat is running after a rat and a dog is running after the cat. Good morning, Mom. Oh, wow. Which bird is this? This is woodpecker. Let's go to the balcony. You will observe a variety of birds chirping, interacting with each other, making this morning even more pleasant. Yes, I want to see more birds. तो इस तरह से हमने देखा कि FLN के किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं और वो कैसे उपलब्ध हैं, और इस सेशन में हमने ये भी देखा कि कितने तरह के वैरायटी ऑफ डिजिटल कंटेंट हो सकते हैं, उन जिनका जिनको बनाने के टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स आपको इन चार दिनों में बताए जाएंगे। एक बार और दीक्षा पे बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से एजुकेशन फॉर ऑल का वर्टिकल भी है जो अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है, जो कि एक इम्पोर्टेंट एरिया और कंसर्न है एनईपी 2020 का। तो एक बार दीक्षा को दोबारा आप प्रोजेक्ट कर दें ताकि हम वो भी देख सकें। सेकंड पे ये एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल है, इसको एक बार आप स्क्रॉल कर दें तो हम देखेंगे इससे रिलेटेड। यहाँ आपको अबाउट एजुकेशन फॉर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फिर फीचर्ड कंटेंट है कुछ, और फिर जो इसके पांच एरियाज हैं एजुकेशन फॉर ऑल के, जिसमें फाउंडेशनल लिटरेसी फॉर अडल्ट्स है। अभी हम बच्चों के लिए देख रहे थे लेकिन ये अडल्ट्स के लिए है। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स है, फाउंडेशनल न्यूमेरेसी है,
वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये पांच एरियाज हैं जो अडल्ट एजुकेशन के लिए हैं। उनसे अलाइंड रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिलेंगे और कोर्सेज भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं दीक्षा को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आपके कुछ एक दो सवाल हैं तो यू कैन आस्क, आफ्टर दैट वी कैन ब्रेक फॉर लंच। थैंक यू मैडम। एक्चुअली किसी का कोई क्वेश्चन है तो म्यूट करके हाथ रेज करके पूछे। एक्चुअली थैंक यू मैडम। एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू अबाउट, एज वी हैव सीन लॉट्स ऑफ डेमोंस्ट्रेशन, सिमुलेशन, लॉट्स ऑफ types of e-contents, but my question is how should we learn to make them? ये मैंने बार बार अपने सेशन में रिपीट किया है कि आने वाले चार दिनों में you will learn this only. Okay, thank you. और इस तरह के questions भी मुझे chat box में देखने को मिल रहे हैं। कुछ software मैंने आपको बताए थे लेकिन software का demonstration आने वाले चार दिनों में आपको मिलेगा और आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, आपको बना के जमा करने पड़ेंगे रिसोर्सेस। ठीक है, तो वो चिंता मत करिए कैसे बनाएंगे। आज के इस सेशन का पर्पस था आपको वैरायटी दिखाना ताकि आपका एक इंटरेस्ट जनरेट हो कि कितने तरह के ऑप्शंस उपलब्ध हैं और कितने प्रकार के डिजिटल कंटेंट हम बना सकते हैं। ओके मैडम, तो ये आपको बताया जाएगा सारा और आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे ताकि आप बना के सबमिट भी करें ताकि आपका इवैल्यूएशन हो सके। सो एक इवैल्यूएशन भी है और इवैल्यूएशन के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मैडम, कोई और कुछ सवाल पूछ रहा है? मैडम मुझे पूछना था, ये क्यों आवाज इको हो रही है आपका? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आपकी साउंड एको हो रहा है। कौन पूछ रहा था? मैडम ये जो दीक्षा ऐप के अंतर्गत आपने जो बताया है वो ऐप के अंतर्गत हम लॉगिन करके वापस देख सकते हैं क्या? क्या लॉग इन करते हैं तो क्या बोला आपने? रिपीट कर दीजिए, आपकी भी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। या तो चैट बॉक्स में लिख दें अपना सवाल। ऐप के अंतर्गत आपने जो भी एक्सरसाइज बताई है अगर हम ऑलरेडी लॉगिंग है उसके अंतर्गत तो क्या हम इसका पूरा का पूरी मटेरियल उसी लॉगिंग आईडी से देख सकते हैं आगे जब हमने लॉगिंग आईडी लॉगिंग किया था उसी से? क्योंकि बता नहीं रहा है। क्या नहीं बता रहा? मतलब ये जो दीक्षा ऐप है, दीक्षा ऐप के अंतर्गत ऑलरेडी हम लॉगिंग है एक दो साल से, तो अभी जो आपने मैडम मटेरियल बताया है एक स्थान से या स्टूडेंट तक जो भी ये डेवलप किया हुआ है वो सभी हम अभी लॉगिन करने के बाद है, तो बिल्कुल आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ये रिसोर्सेस लॉगिन करके। एक बार और दीक्षा के ऊपर ले जाओ, मैंने ऐप नहीं दिखाया बाय द वे, मैंने आपको दीक्षा पोर्टल दिखाया है। अच्छा, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, आई एम अभिषेक रंजन। मैम आई जस्ट वांट टू आस्क all PDF you have seen in the screen will be shared in the WhatsApp group? नहीं, वो तो आपको presentation मिल जाएगी और जो भी आपने resources मैंने आपको दीक्षा से दिखाए वो आप दीक्षा पे आपको मिल जाएंगे सब। ठीक है, उनके अलावा जो resources दिखाए हैं वो हमारा जो इस phase के लिए जो हमारी वेबसाइट के ऊपर पेज होगा वहां पे प्रेजेंटेशन रिसोर्सेस सब मिल जाएंगे, ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे। मैं डॉक्टर मोनिका को बोल देती हूँ कि प्रेजेंटेशंस ग्रुप में भी शेयर कर लें ताकि आपके लिए इजीली एक्सेसिबल ग्रुप में। थैंक यू मैम, थैंक यू, शेयर कर लेंगे। ठीक है, और भी जो चाहिए आप बता दीजिए।
that we can. Excuse me, madam. कितने क्वेश्चन? मैडम कैन यू हियर मी? बताइए बोलिए. सी आई एम टॉक आई जस्ट वांट टू नो हाउ कैन वी डू सम ऑफ दिस क्रिएशंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर एस्पेशली फॉर द विजुअली ब्लाइंड बिकॉज़ वी हैव मेनी चिल्ड्रन हु आर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स. इसका अगला सेशन में ये सवाल पूछिए. इसके बाद का जो अगला सेशन है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही है. डॉक्टर भारती ले रही होंगी ये सेशन. विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आप बात कर रहे हैं ना. अभी मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि जो ISL वीडियोस हैं हमारे, हमने ज्यादातर जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग पर बेस करके बना रहे हैं, जिसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, टेक्स्ट भी होता है. तो जो हियरिंग इम्पेयर्ड है वो टेक्स्ट रीड कर सकते हैं और विजुअल्स देख सकते हैं. जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो उसका ऑडियो सुन सकते हैं. तो ये सभी चीजें उसमें इंटीग्रेटेड होती हैं. सब में नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे रिसोर्सेज इसी प्रकार से बनाए. इसके अलावा एनसीईआरटी ने ऑडियो बुक्स भी बनाई हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हैं. जो हमारा ई पाठशाला ऐप है उसमें टेक्स्ट टू स्पीच इनेबलमेंट भी है, ताकि टेक्स्ट से हम स्पीच भी सुन सकते हैं. तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये प्रोविजन भी है. Okay. और दीक्षा में भी हमने कुछ ऐसे एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के बताए हैं जो TTS इनेबल्ड कर देते हैं. दीक्षा के ऊपर जो उपलब्ध कंटेंट है वो भी हम टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करके सुन सकते हैं. तो ये सब प्रोविजन है. अगला सेशन इसके बाद 2 बजे से जो होगा आपका वो उसी पर है. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के ऊपर ही है. और आपकी और क्वेरीज हैं तो उस पर्टिकुलर सेशन में आप वो क्वेरीज कर सकते हैं. अभी एक 5 मिनट का क्विज करें छोटा सा, ताकि आप लोगों का भी एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो सके जो इसी सेशन पर बेस्ड है. बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी, ठीक है, वी आर रेडी. गुड गुड, अभी करते हैं फिर आप प्रोजेक्ट. हाँ, इंस्ट्रक्शन. अब मैं डॉक्टर मोनिका को हैंड ओवर कर रही हूँ ताकि ये क्विज प्ले करा सके. आई एम ऑल्सो देयर विद यू डॉक्टर मोनिका. एक मिनट, मैं अपना म्यूट कर देती हूँ पहले. पांच क्वेश्चन का क्विज है. आपकी स्क्रीन पर एक लिंक दिख रहा है joinmyquiz.com. आप किसी भी ब्राउजर में अपने फोन पे या लैपटॉप पे जहां से इंटरनेट एक्सेस करते हैं वहां पे जाएं और joinmyquiz.com डाले और जो पेज खुलेगा उसके ऊपर ये वाला कोड 713724 आप डाल सकते हैं. joinmyquiz.com ब्राउजर पे क्लिक करें, फिर ये कोड जो पेज खुलेगा उसमें आपको एक कोड मांगा जाएगा, उसकी जगह पे आप ये कोड 713724 ये कोड आप उसमें डाल दीजिए. अभी केवल 3 लोग जुड़े हैं इस क्विज में हमारे साथ. 4 ये दूसरे मोबाइल से जिसमें जुड़े हुए हैं लैपटॉप पे उसी से कर सकते हैं मैम या दूसरे मोबाइल से भी कर सकते हैं? हो गया सबका. स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें या सब लोग जुड़ रहे हैं? यस यस, वी कैन स्टार्ट. यस मैम. मैम कहाँ से जुड़ना है? स्टार्ट. हेलो मैम, मैम कैसे जुड़ा जाए एक बार फिर से बताया जाए मैम. हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? आपकी आवाज आ रही है मैम. कैसे जुड़ा जाए फिर से बताया जाए. आप अपना ब्राउजर ओपन करें पहले, जो भी आपका ब्राउजर है, फायरफॉक्स है या मोजिला है या क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम है, वो ओपन कर ले अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो. अच्छा, ये जरूरी है कि आपके मोबाइल पे इंटरनेट हो.
फिर उसका जो टॉप मेन्यू बार होगा उसमें joinmyquiz.com ये URL है, ये टाइप करें। ये करने के बाद फिर आपको एक ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कोड एंटर करिए। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको ये कोड दिख रहा है ना 713724, उसको एंटर कर दीजिए। ओके 87 लोग आ गए हैं और लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं इसमें। ओके मैम, ओके, यस मैम। 91 आ गए, 92 आ गए, साइड में आप देख रहे हैं, आप ही में से ये लोग सब ज्वाइन कर रहे हैं। ओके मैम, इनका नंबर यहाँ ब्लैक बॉक्स में दिख रहा है। जिस नंबर से, कोई भी नंबर से जुड़ सकते हैं ना मैम? हाँ जी, कोई भी नंबर से जुड़ सकते हैं ना? कोई भी मोबाइल नंबर, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए आपके मोबाइल का। हाँ, यू कैन ज्वाइन वाया गूगल ऑल्सो, गूगल से भी कर सकते हैं। 100 लोग आ गए, 102 आते जा रहे हैं। स्टार्ट करें? यस मैम, ठीक है। यस मैम, स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मोनिका ने स्टार्ट कर दिया है। और कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं? Thank you.
क्लोज कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या है स्थिति. वी आर एंडिंग द क्विज. द आइडिया वाज जस्ट टू गिव यू एन एंगेजमेंट इनटू इट, गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू गेट क्विज. डॉक्टर मोनिका एंड कर रही है. ये विनर्स हैं क्विज के. फर्स्ट है सरस्वती एन, सेकेंड है शेख तासली एंड थर्ड दीपाली. दीपाली थर्ड है और उसके बाद आप जैसे आपने स्कोर किया या कितने क्विकली आप लोगों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया उसके हिसाब से आपका पूरा लिस्ट है. ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें. सो थैंक यू वेरी मच. होप यू एंजॉयड द सेशन. अब आप मुझे लग नहीं रहा किसी को लंच पे जाने की जल्दी है, लेकिन लंच कर लीजिए आप लोग. लंच के बाद फिर हम दोबारा असेंबल होते हैं. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Enjoy your lunch. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. वापस आ जाएं सब लोग. Doctor Monica. It was Sheikh Taslima. Please listen. Review तो सबके पास है. इस सेशन के बाद हम लोग 2 बजे वापस आएंगे अगले सेशन के लिए. अभी आपके पास 35 मिनट्स का समय है, आप लंच कर लीजिए आराम से. 2 बजे तक प्लीज आप लोग वापस जुड़ जाइएगा सो दैट हम नेक्स्ट सेशन को टाइम पे शुरू कर सकें.